टफेस्ट मसल में आती है ग्रो करने के लिए। लोग बहुत से लोग जो काप्स की एक्सरसाइज रेगुलर डे रूटीन में करते हैं, काप्स ग्रो नहीं हो पाते हैं, वो लोग या तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं या अच्छा रेंज ऑफ मोशन नहीं ले पाते हैं। बेसिकली वो हैवी वेट्स से हाफ रैप्स और फुल रैप्स ही नहीं समझ पाते हैं कि वो हाफ रैप्स कर रहे हैं या फुल रैप्स कर रहे हैं। आप एक मॉडरेट वेट से अच्छे पंप के साथ और फुल रेंज के साथ एक्सरसाइज को करिए और ज़्यादा रेपिटेशन करिए, क्योंकि हमारी काप्स की मसल हमारी हार्ट से दूर है तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा लेट जाता है, तो इसकी वजह से हमें रेंज ऑफ मोशन और रेपिटेशन बढ़ा के करने चाहिए। 1 वीक आप 20-30 रेपिटेशन, 1 वीक आप 30-50 रेपिटेशन के बीच करिए और एक अच्छे पंप और फ्लो के साथ करिए। स्टैंडिंग काप्स और सिटिंग काप हम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और जो हम लेग प्रेस में टो प्रेस करते हैं वो करते हैं एक्सटेंशन के लिए। काप्स करते हुए आपका फूड पोजिशनिंग काफ़ी डिपेंड करती है कि आप किस आपके पैर किस डिस्टेंस में खड़े हैं, किस रेंज में आप एक्सरसाइज को कर रहे हो, कितने रेपिटेशन कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वेरिएशन में वर्कआउट को कर रहे हो। काप्स को ग्रो करने के लिए इससे अच्छा फंडा कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल फंडा है। आप लाइट वेट और मॉडरेट वेट से अच्छे कॉन्ट्रैक्शन और एक रेंज ऑफ मोशन के साथ एक्सरसाइज को करिए और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग जरूर करिए काप्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक द हिट बटन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ aestheticprasanth।